Assalamualaikum, dear students, how are you all? Fine, very good. भाई एक नई सुबह के साथ, नए चैप्टर के साथ, नई एक्टिविटी के साथ मैं आई हूँ आप लोगों के पास. तो प्यारे बच्चों, आज हम क्या करेंगे? आज हम सोशल स्टडीज़ की क्लास में मौजूद हैं, तो इसका मतलब है हम कुछ सोशल स्टडीज़ से ही पढ़ेंगे, है ना? और क्या पढ़ेंगे हम? हम आज रीडिंग करेंगे, ठीक है भाई? रीडिंग आपको पता है कितनी इम्पॉर्टेंट है. जब हम अपनी स्कूल लाइफ से निकलकर कॉलेज में चले जाएं, यहाँ तक कि हम यूनिवर्सिटी में चले जाएं, और फिर हम कहाँ जाते हैं? प्रोफेशनल लाइफ की तरफ, तब भी रीडिंग हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है. विदाउट रीडिंग हम बिल्कुल भी सक्सेस की तरफ नहीं जा सकते, ठीक है? मैं अपने बच्चों को हमेशा कामयाब होता हुआ देखना चाहती हूँ, तो इसलिए अब आप सब लोग मेरे साथ क्या करेंगे? रीडिंग करेंगे. हम मोर प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से हर वर्ड को पढ़ना आ जाए, ठीक है? तो प्यारे बच्चों, जल्दी से आप लोग बुक्स ओपन कीजिए. ओपन पेज नंबर 18. वेरी गुड. कल हमने कहाँ तक रीड किया था? एट दैट टाइम तक, ठीक है? अब हम क्या करेंगे? उससे आगे की रीडिंग करेंगे, ठीक है? ताकि आप लोगों को खुद भी, जब आप लोग खुद भी पढ़ेंगे तो आप लोगों को चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है? चलें अब हम स्टार्ट करते हैं. मी, व्हाट एफर्ट डिड यू मेड इन मेकिंग द मुस्लिम स्ट्रॉन्ग? What effort did you make in making the Muslim strong? Shah Sahab, I used to teach hadith of the Muslims to the Muslims in public and wrote several books about it. Me, what other efforts did you do? Shah Sahab, I taught the Muslims that Islam is the most suitable religion for all the people. It has the solution to each and every problem of human being. I spent my whole life in making the Muslims strong religiously and saving them from the enemies. I wrote some books about the teaching of Islam and Quran. Shah Waliullah's hard work and his effort spread Islam all over India. His sons and his followers continued his noble mission. With this
My research was complete. So I slept when I woke up, he was not there. Very good. प्यारे बच्चों, आपने बहुत अच्छे से रीडिंग कर ली होगी। अब आप लोग को हर वर्ड बहुत अच्छे से पढ़ना आ गया होगा, isn't it? जी हाँ। अब आप क्या करेंगे, आप अपनी टीचर के साथ अगेन रीडिंग करेंगे ताकि जो वर्ड्स आपको पढ़ने में प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो वो सब सॉल्व हो जाएं और आप लोगों को अच्छी सी रीडिंग आ जाए, ठीक है? और आपको पता है रीडिंग हमें कहाँ लेके जाती है, हमें सक्सेस की तरफ लेके जाती है, हमें कामयाबी की तरफ लेके जाती है, ठीक है? तो प्यारे बच्चों, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और रीडिंग करना ना भूलिएगा। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफ़िज़।